भाई बिल्डर बेस आने के 2 दिन बाद मैंने क्या बोला था, हम लोगों को जाना है डायमंड लीग के अंदर। डायमंड लीग मतलब 6200 प्लस ट्रॉफीज करनी पड़ेगी, और ऐसे रश अकाउंट, लो लेवल के हीरोज, लो लेवल के डिफेंसेस लेके तो हम लोग वहां पे नहीं जा सकते। एक ऐसा ट्रूप मिला है मेरे को भाई साहब, ये ट्रूप नहीं है, यमराज है। इस ट्रूप की वजह से मैं अपना रश अकाउंट लेके डायमंड लीग के अंदर चला गया हूं, जो कि सबसे हायर लीग है। भाई बहुत सारे लोग तो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे, तो सब्सक्राइब ठोको, बेल आइकन मत ठोको पर सब्सक्राइब ठोक दो भाई साहब। ये लो भाई साहब, हम लोगों की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे डायमंड लीग के अंदर। 6200 प्लस ट्रॉफीज है हमारी। ये देखो हम लोगों ने सारे के सारे, हम लोग कहाँ पे थे, एमराल्ड 3 में थे, ठीक है, 5000 ट्रॉफीज। अभी हमारी 6200 प्लस ट्रॉफीज हो चुकी है। तो भाई साहब इतनी ट्रॉफीज पुश करने के लिए मैंने कौन सा बेस और कौन सी आर्मी यूज करी है? बेस तो देखो मैंने ये वाला यूज करा है, काफी अच्छा बेस लेआउट है ये, और बहुत सारे लोग तो भाई इसके ऊपर मतलब 3 स्टार भी नहीं कर पाते, इधर ही सरेंडर हो जाते हैं। और रही बात दूसरे बेस की, तो यहाँ पे आना ही उनके लिए बड़ी बात है। आज की वीडियो पे ज्यादा नहीं 30,000 लाइक कर दोगे ना, जो कि आप लोग कर ही देते हो हमेशा, तो मैं अगली वीडियो में इस बेस का और एक और बेस है मेरे पास उसका लिंक दे दूंगा। डायमंड लीग के अंदर तो भाई साहब हम लोग आ गए, लेकिन यहाँ तक आने में जो पापड़ वेल है भाई साहब, आप लोग भी अगर डायमंड लीग में आना चाहते हो तो आप लोग देखो यहाँ पे रूबी 2 रूबी 1 तक चलो, अच्छे अच्छे बेसेस मिल जाएंगे, अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी एंट्री डायमंड लीग के अंदर हो जाती है भाई साहब, यहाँ पे आपको बेसेस मतलब अपोनेंट मिलना बंद हो जाते हैं, क्लाउडिंग होता है। लेजेंड लीग में स्टार्टिंग में कैसे क्लाउडिंग होता था, 8-8, 9-9 घंटे क्लाउडिंग ही हो रहा है भाई साहब, अपोनेंट ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम सीन है भाई, आधा एक घंटे तक मेरे को अपोनेंट ही नहीं मिल रहा, और इतना टाइम वेट करके अगर कोई बंदा मिल भी जाता है ना, वो बंदा भी हमारे बेस के ऊपर 6 स्टार मारता है, हम भी उसके बेस के ऊपर 6 स्टार, इक्वल हो गया, -40 इधर होगा, इधर +40 हो गए, जितना था उतना ही रहेगा। तो ये एक चीज है भाई जिसने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया, रात की नींद हराम कर दी मेरी। लेकिन फिर भी हम लोग जैसे तैसे कर करके बेस तगड़ा लगा के हम लोग पहुंच गए डायमंड लीग के अंदर। और हमारी ऑल टाइम बेस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हमारी जितनी ट्रॉफीज है डायमंड लीग में 6223, यही हमारा ऑल टाइम बेस्ट भी यही है। तो मैंने यहाँ पे भाई साहब आर्मी कौन सी यूज करी, आर्मी गाइज मैंने यूज करी है यहाँ पे बेबी ड्रैगन वाली। हम लोगों ने यहाँ पे मैस बेबी ड्रैगन्स को यूज करा था, और हम लोगों ने उसी के साथ बैटल कॉप्टर न्यू हीरो को यूज करा था। और वैसे भी बैटल कॉप्टर लेवल 35 का मैक्स होता है, हमारे पास तो है लेवल 20 का। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया पता है, बूस्टर यूज कर दिया, सिंपल 5 लेवल बढ़ गए, लेकिन फिर भी मैक्स नहीं हुआ। ऐसे ही नूब लेवल के हीरोज लेके हम लोगों ने अटैक्स कर दिए। अब देखो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम लोग सारे लाइव अटैक्स करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे करना क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आप लोगों को बैटल कॉप्टर को डिप्लॉय कर देना होता है, ऐसी जगह पे बैटल कॉप्टर को आप लोगों को डिप्लॉय करना है जिससे कि बैटल कॉप्टर एंड तक जिंदा रहे। अब वो जगह आप लोगों को बेस के ऊपर ढूंढनी पड़ेगी, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया जिससे कि बैटल कॉप्टर हमारा एंड तक जिंदा बच जाए, क्योंकि सेकंड अटैक के अंदर भी हम लोगों को बैटल कॉप्टर ही मोस्ट प्रोबेबली यूज करना होता है। अगर इनकेस मर गया आपका बैटल कॉप्टर तो बैटल मशीन को यूज कर लेंगे। तो ये देखो हम लोगों ने ऐसी जगह पे बैटल कॉप्टर को डाला है जिससे कि ये जिंदा रहे बेस के खत्म होने तक, और उसके बाद बेबी ड्रैगन्स डिप्लॉय करना चालू करो। यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज है बेबी ड्रैगन्स की, उनकी एबिलिटी। जैसे ही बेबी ड्रैगन्स यहाँ पे डिफेंसेस के पास चले जाते हैं, हम लोगों को एबिलिटी सिंपली दबा देनी होती है। ये तो मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए एक अटैक दिखा रहा हूँ, रिप्ले दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सारे के सारे लाइव अटैक्स करेंगे, ठीक है। अभी ये देखो बेबी ड्रैगन की एबिलिटी यूज कर ली, एबिलिटी यूज करने के बाद ना वो ऐसे आग के गोले वोले फेंकता है, मतलब वो छींकता है बेसिकली, उसके बाद आग के गोले ऐसे इधर उधर गिर जाते हैं और उनका डैमेज बैठता है। अभी यहाँ पे भी देख लेना, यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे भी बेबी ड्रैगन की हम लोग एबिलिटी जैसे यूज करेंगे, सी यहाँ पे डिफेंस की हेल्थ कम हो जाती है। और अभी भी हम लोगों के इस बेस के ऊपर बच गए थे काफी सारे बेबी ड्रैगन्स, और जो बैटल कॉप्टर है हमारा वो भी जिंदा बच गया था। सिंपल सी चीज है भाई, बैटल कॉप्टर को आप लोगों को जिंदा रखना है, उसके बाद जहां पे मैक्सिमम डिफेंसेस वगैरह रखे हुए वहां पे बेबी ड्रैगन्स को यूज कर लेना है। अभी देखो इस वाले बेस के ऊपर देख लो, बेबी ड्रैगन को स्टार्टिंग में डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने यूज करी थी गाइज बैटल मशीन, ठीक है, बैटल कॉप्टर यूज नहीं करा, क्योंकि यार यहाँ पे एयर डिफेंसेस 1, 2, 3, 4, 5 फायर क्रैकर है, ठीक है। तो ये देखो अभी ऊपर जो बेबी ड्रैगन डाला है उसकी एबिलिटी जब हम लोग यूज करेंगे, ये देखो नीचे वाले की यूज कर ली, आग के गोले फेंक दिए, अभी इसकी यूज करेंगे, देखो 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 आग के गोलों में हम लोगों को ऑटो का आउटपोस्ट भी मिल गया, और हेल्थ तो देखो भाई साहब इसकी हेल्थ आधी हो गई, इसकी हेल्थ आधे से कम, इसकी भी आधे से कम, इसकी भी आधे से हेल्थ कम, देख रहे हो कितनी पावरफुल एबिलिटी है बेबी ड्रैगन की। अभी भी देखो हमारे पास 2 बेबी ड्रैगन बचे, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, अभी इसकी एबिलिटी भी मैं यूज करूंगा, यूज कर लिया एबिलिटी, भाई साहब फूड डिफेंसेस खत्म, बेस के अंदर क्या ही बच जाता है। अभी देखो उसके बाद पेक्का वेक्का हम लोगों ने यूज कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेबी ड्रैगन की एबिलिटी। कॉम्पैक्ट बेस अगर आप लोगों को मिला तो बेबी ड्रैगन ही यूज करना है, खुला बेस मिला तो पेक्का यूज करना है, जो कि कल मैंने वीडियो बनाई थी, नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लो, ठीक है। बेबी ड्रैगन का आप लोगों को समझ आ गया कब यूज करना है बेबी ड्रैगन, ये देखो
देख रहे हो भाई साहब, आधा बेस 50% बेस सिर्फ बेबी ड्रैगन ने टेक डाउन कराया। उसके बाद जो बचा हुआ बेस था उसको हम लोगों ने इजीली हमारी बैटल मशीन और ये पेकाज के साथ टेक डाउन कर लिया, खत्म। समझ आ गया आप लोगों को बैटल कॉप्टर कब यूज करना है और बेबी ड्रैगन की एबिलिटी यूज करनी है। चलो भाई चलते अभी अटैक करने के लिए। ओके भाई साहब, तो अभी हम लोगों को मिल चुका है ये वाला बेस, ठीक है, काफी कॉम्पैक्ट बेस है। मैंने आप लोग क्या बोला था, अगर कॉम्पैक्ट बेस मिला तो हम लोग क्या करना है, पेका यूज नहीं करना है। पेका कब यूज करना है, पेका तब यूज करना है जब बेस खुला खुला हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैटल कॉप्टर, बेबी ड्रैगन सारे के सारे हम लोग बेबी ड्रैगन यूज कर लेने यहाँ पे, ठीक है। ओके चलो भाई बेबी ड्रैगन यूज कर लिए। बैटल कॉप्टर को किधर से डालना है, बैटल कॉप्टर को उधर डालना है जहां से वो जिंदा रहे एंड तक, है ना, बचाना है हम लोगों को बैटल कॉप्टर को। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बैटल कॉप्टर काफी स्लो है, काफी धीरे काम करता है, पर ठीक है, काफी खतरनाक ये हीरो है। स्टार्टिंग में मेरे को लगा नहीं था कि इतना खतरनाक ये हो सकता है, पर बहुत ओपी है ये, ठीक है। ठीक है भाई साहब, अभी हम लोगों को बेबी ड्रैगन्स की एबिलिटी भी ढंग से यूज करनी है जिससे कि मैक्सिमम डिफेंस इसको यहाँ पे उसका डैमेज बैठे, है ना। चलो भाई ये लो भाई, नंबर एक की एबिलिटी में अच्छी खासी वैल्यू हम लोगों को मिल गई, मतलब काफी डिफेंसेस की हेल्थ कम हो गई थी वहां पे, नाइस। नंबर टू की एबिलिटी में देख लो भाई साहब, डिफेंस मिल गए बहुत सारे हम लोगों को, नाइस, काफी अच्छा जा रहा है। अरे 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 अरे, इसको बचाऊं कि नहीं बचाऊं, बैटल कॉप्टर को मरने वाला है लग रहा है, थोड़ा नहीं बचाता इसको। अगले अटैक में हम लोग वो यूज कर डालेंगे, क्या बोलते हैं उसको, बैटल मशीन यूज कर डालेंगे, इसको नहीं बचाएंगे, काफी कम हेल्थ हो गई है ना। देखो एक बेबी ड्रैगन अभी भी हमारे पास बच ही चुका है, चलो मर गया कोई दिक्कत नहीं है। तीन बेबी ड्रैगन की एबिलिटी बची है, एक बेबी ड्रैगन की एबिलिटी खत्म हो चुकी है, और नंबर छह वाला जो बेबी ड्रैगन है उसको तो डिप्लॉय हम लोगों ने नहीं करा है। ठीक है भाई, अगले बेस के ऊपर यूज कर डालेंगे हम लोग बैटल मशीन को, कोई दिक्कत नहीं, बचाने में हम लोग नाकामयाब रहे। पर चलो फुल हेल्थ के साथ हम लोगों को मिल चुका है बैटल मशीन। ओके यहाँ पे पेक्का, एक काम करते हैं पेक्का को ही रखते हैं क्योंकि पांचों के पांचों फायर क्रैकर इधर ही रखे बंदे ने। सबसे पहले यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन आएगा, वेरी नाइस। उसके बाद यहाँ पे आएगा बैटल मशीन, नाइस। चलो भाई साहब पेक्का आएगा यहाँ पे, पेक्का यहाँ पे भी, ओके। यहाँ पे कॉर्नर में एक बेबी ड्रैगन, वेरी नाइस। चलो भाई अभी हमारे पास सबकी एबिलिटी बची, जितने ट्रूप और हीरोज है सबकी एबिलिटी बच चुकी है हमारे पास, वेरी नाइस। ओके चलो भाई यहाँ पे तीन की एबिलिटी दबा दी, अच्छी खासी वैल्यू मिल गई। चार की एबिलिटी में ठीक ठाक वैल्यू हम लोगों को मिल गई। ये लो भाई बेस खत्म हो गई, क्या बचा है बताओ। नंबर छह वाला बेबी ड्रैगन को तो डाला ही नहीं हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्वैग हो गया उसका। ओके भाई साहब यहाँ पे भी हम लोगों को कॉम्पैक्ट बेस मिल चुका है, तो यहाँ पे भी बैटल कॉप्टर को ऐसी जगह पे डालना है जिससे कि जिंदा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे डाला है, होपफुली ये जिंदा बच जाए यहाँ से। और एक और चीज है बैटल कॉप्टर की अच्छी बात, जब आर्चर टावर लॉक हो जाता है ना तब हम लोगों को बेबी ड्रैगन डाल देना है वहां पे, जब आर्चर टावर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ आर्चर टावर डिस्ट्रैक्ट होने का, अभी ये बैटल कॉप्टर इसको मारेगा लेबोरेटरी को, उसके बाद आर्चर टावर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कम ऑन आर्चर टावर, नाइस। ओके यहाँ पे बेबी ड्रैगन आएगा, यहाँ पे भी एक बेबी ड्रैगन आएगा, वेरी नाइस। चलो 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 चलो, यहाँ पे एबिलिटी जाएगी दो की और एक की, नाइस। ठीक है वैल्यू काफी अच्छी मिली है, लेकिन ये जो एयर बॉम्ब है वो अभी तक फूट ही नहीं पाया, कोई बात नहीं एबिलिटी यूज कर डालेंगे बैटल कॉप्टर की, नाइस। ओके ये लो भाई बैटल कॉप्टर तो भाई इमॉर्टल है भाई, जिंदा बच चुका है अभी भी, देख रहे हो, और उसको अभी मारने वाला कोई है नहीं। अभी पूरा जो बेस है बेबी ड्रैगन हमारे साफ कर डालेंगे, वेरी नाइस गोइंग। ओके चलो चलो, चार की एबिलिटी में देखो काफी अच्छी वैल्यू, तीन की एबिलिटी में काफी अच्छी वैल्यू मिल गई, और ये जो पांच की एबिलिटी बच चुकी है इसकी एबिलिटी यूज ही नहीं करेंगे। ले भाई नंबर छह वाला बेबी ड्रैगन गाइज अभी भी बच चुका है पिछले अटैक की तरह, वेरी नाइस। बैटल कॉप्टर मर गया था पिछले अटैक में, लेकिन इस बार जिंदा बच गया। ओके भाई साहब एक्सबो रखा है भाई साहब ने, और पांचों के पांचों फायर क्रैकर रखे, ठीक है भाई। यहाँ पे भी सेम चीज करनी है हम लोगों को, बैटल कॉप्टर ऐसी जगह पे डालना है जिससे कि वो जिंदा बच सके, है ना, भले ही वो डिफेंसेस ना निकाले, वो बस टैंक का काम करे, वही हमारे लिए काफी है। के भाई साहब सारे सारे बेबी ड्रैगन्स ले लिए अभी हम लोगों ने, बैटल कॉप्टर को हम लोग यहाँ पे डालेंगे कॉर्नर में जिससे कि वो अपना धीरे धीरे काम करता रहे,
नाइस, बेबी ड्रैगन आएगा ये तीन वाला, क्योंकि इसके ऐसा एबिलिटी नहीं है, बस मेरे को फनल बनाना था यहाँ से। वेरी नाइस, बना ले भाई। नहीं बना पाया पूरी तरीके से फनल, कोई दिक्कत नहीं है। बैटल कॉप्टर देखो अपनी एबिलिटी गेन कर रहा है, वेरी नाइस। अभी यहाँ पे 5 फायर क्रैकर है और 1 आर्चर टावर है, शायद टेस्लास भी हो सकते हैं यहाँ वहाँ पे छुपे हुए है ना। चलो 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 नंबर 5। अरे यार नंबर 5 की एबिलिटी फालतू में वेस्ट हो गई, गलत जगह पर डाल दिया, मेरे को लगा जिंदा बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके वेरी नाइस गोइंग गाइस। नंबर 6 की एबिलिटी इतनी जल्दी यूज नहीं करेंगे, जैसे ही जरूरत पड़ेगी यूज कर डालेंगे। नाइस गोइंग। यहाँ पे नंबर 7, नंबर 8, ओके कम ऑन नंबर 6। ओहो हो, क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया गाइस, खत्म हो गया ये बेस, देख रहे हो हमारा बैटल कॉप्टर अभी भी जिंदा बच चुका है, खत्म। नंबर 8 बेबी ड्रैगन की एबिलिटी है, बैटल कॉप्टर की लेवल 3 की एबिलिटी है, हो गया गाइस ये वाला बेस भी खत्म, बहुत पावरफुल है। और ऊपर से हमारा बैटल कॉप्टर लेवल 25 का, इसको लेवल 35 करना है हम लोगों को, ये हो गया हमारा 3 स्टार। हाँ भाई साहब अभी मिला है थोड़ा चैलेंजिंग बेस, थोड़ा डिफिकल्ट है भाई ये वाला बेस, है ना, लग रहा है बेस लेआउट ही देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके कॉम्पैक्ट बेस है तो भाई देखो चीज़ें हम लोगों को सेम करनी है, ठीक है। बैटल कॉप्टर बस जिंदा बच जाए हमारा, टैंक वैंक अच्छे से कर ले। चलो आर्चर टावर ने अभी तक नहीं पकड़ा है, ऊपर वाला बेबी ड्रैगन भी मस्त क्लीन अप का काम कर रहा है, वेरी नाइस। चलो 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 भाई बेबी ड्रैगन कम ऑन मैन। चलो एबिलिटी यूज कर ली, लेकिन यार उतनी अच्छी फेरी वैल्यू मिली नहीं हम लोगों को, मतलब बहुत सारे डिफेंस इसको तो टारगेट कर ही नहीं पाया वो, कोई दिक्कत नहीं है। येलो यहाँ पे ये वाला आर्चर टावर जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो गया, हमारा सेकंड बेबी ड्रैगन तुरंत आ गया वहाँ पे, वेरी नाइस। ओके चलो भाई साहब, नाइस नाइस नाइस। देखो यार इस वाले अटैक के अंदर ना पेशेंस है भाई, पेशेंस बहुत बहुत ज्यादा लगेगा। ओके चलो चलो चलो, बैटल कॉप्टर मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। नहीं मर गया भाई, बैटल कॉप्टर मर गया गाइस। ओके चलो गाइस, अभी भी नंबर 5 की एबिलिटी बच चुकी है, खत्म हो गया। 4 बेबी ड्रैगन जिंदा है, लेकिन सिर्फ नंबर 5 की एबिलिटी बची है बेबी ड्रैगन की। अब देखते हैं भाई दूसरा बेस कैसा मिलता है। अच्छा वहाँ मर गया, क्या नाम था उसका, बैटल कॉप्टर, कंपार्टमेंट वाला बेस है, सिंगल कंपार्टमेंट वाला बेस है। ओके भाई साहब एक काम करते हैं, हम लोग बैटल मशीन को ऊपर की साइड पर डाल देते हैं। नाइस एबिलिटी बच चुकी है, एबिलिटी यूज़ करेंगे नंबर 5 की, वेरी नाइस। नंबर 3 की भी एबिलिटी बच चुकी है, नंबर 3 की भी एबिलिटी आ गई, नंबर 7 की भी बच चुकी है। ओके चलो भाई एबिलिटीज में अच्छी खासी वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल चुकी है, नाइस 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 खत्म। लो भाई खत्म हो गया ये वाला बेस, कुछ बचा ही नहीं है बेस के अंदर, इजी पीजी ट्रिपल हो गया गाइज, इजीली ट्रिपल होए जा रहे गाइज। और ऊपर से अगर आपके पास मैक्स बैटल कॉप्टर है तो भैया आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, अभी तो ये स्टार्टिंग फेज है भाई बिल्डर बेस का, आगे आगे तो खतरनाक, सब लोग जब मैक्स होंगे तब मजा आएगा। ये देख लो भाई साहब बहुत ज्यादा ही अनोइंग बेस है और बार बार मिलते रहता है, जैसे ही आप लोग पुश करना चालू करोगे ये वाला बेस लेआउट इजिली आप लोगों को हर तीसरे अटैक के बाद तो मिल ही जाएगा, ठीक है, हर 4 में से एक बेस तो यही वाला रहता है। तो इसका क्रैक क्या है, इसका क्रैक देखो वही है जो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में समझा रहा था, इसके पास तो भाई मैक्स लग रहा है ये बंदा, टेस्ला मैक्स है, इसका एक्सबो भी एयर रखा हुआ है बंदे ने, ठीक है। तो ये देखो बैटल कॉप्टर सबसे पहले हम लोगों को डालना है यहाँ पे इसके ऊपर, क्या नाम था, लेबोरेटरी, फूट गया। ओके जैसे आर्चर टावर डिस्ट्रैक्ट होएगा तुरंत हम लोगों को पहला बेबी ड्रैगन डाल देना है एलिक्सिस कलेक्टर के ऊपर और दूसरा बेबी ड्रैगन ऊपर की साइड पे 12 o'clock पे, ठीक है। तो ये बेबी ड्रैगन अभी ये फोड़ के आगे जब जैसे ही बढ़ेगा हम लोगों को एबिलिटी दबा देनी है, नाइस आर्चर टावर फूट दिया। अभी नंबर 3 बेबी ड्रैगन आएगा, नंबर 3 बेबी ड्रैगन की एबिलिटी में टेस्ला मिल गया, काफी अच्छी बात है। ओके नंबर 4 और 5 बेबी ड्रैगन अपना काम कर रहे हैं, बैटल कॉप्टर भी अपनी हेल्थ धीरे धीरे रीगेन कर रहा है, एबिलिटी भी गेन कर रहा है, खत्म गाइज ये बेस। बताओ क्या बचा है बेस के अंदर, ये हो गया गाइज हमारा इजीली 3 स्टार। और यहाँ पे 4 बेबी ड्रैगन जिंदा है और उनमें से 3 बेबी ड्रैगन की एबिलिटी बच चुकी है,
तो अभी देखते भाई अगला बेस कैसा रहता है। अगला तो इजी आप लोगों को पता ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को। ये देखो 5 फायर क्रैकर वाला बेस है, यहाँ पे हम लोग पेक का यूज़ करेंगे, 2 पेक का हाइब्रिड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बैटल मशीन यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग में एक बेबी ड्रैगन, हमेशा टेस्ला इधर ही निकल जाता है, वेरी नाइस। ओके, अभी भी 3 बेबी ड्रैगन की एबिलिटी बच चुकी है हमारे पास, नाइस। एक बेबी ड्रैगन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, ओके। अरे यार वापिस मैंने नंबर 4 बेबी ड्रैगन की एबिलिटी वेस्ट कर दी। लगता है कि जिंदा बच जाएगा, एबिलिटी अच्छी जगह पे यूज करूंगा, पर वो हो ही नहीं पाता। ये लो नंबर 6 बेबी ड्रैगन ने अच्छी वैल्यू दे दी एबिलिटी में। अभी देखो एक सिंगल कंपार्टमेंट बच चुका है, हमारे हीरोज काफी है और 2 पेक्का इनफ है इतना बेस्ट टेक डाउन करने के लिए। दोनों पेक्का की एबिलिटी बच चुकी है, खत्म हो गया गाइस ये वाला बेस। हमारा ये बैटल मशीन भी खत्म हो चुका है, पर बेस के अंदर ज्यादा चीजें बची है नहीं, एक कैनन है इसको फोड़ते ही बेस खत्म। लो भाई साहब ये हो गया हमारा 3-स्टार अटैक इस वाले बेस के ऊपर, काफी इजी बेस है ये। दोनों पेकास की एबिलिटी बच चुकी है, पेकास थोड़े से स्लो है लेकिन वहीं पे बेबी ड्रैगन थोड़े से फास्ट भी है और प्रॉमिसिंग आर्मी भी है, क्योंकि हमेशा 3-स्टार 6-स्टार आएगा ही आएगा, अगर फेल हुआ तो वो आपकी गलती की वजह से फेल होएगा, वरना तो आर्मी बहुत पावरफुल है। ले भाई ये वाला भी काफी अच्छा बेस लेआउट है, मैक्स लेवल का टेस्ला है भाई साहब के पास। ओके यहाँ पे भी गाइस सेम चीजें करनी हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, बैटल कॉप्टर डाल दो ऐसी जगह पे जहाँ से वो जिंदा बच सके, है ना। आर्चर टावर मारेगा कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अच्छी बात है, क्या बात है भाई। आर्चर टावर को ये इजीली अभी फोड़ देगा, वेरी नाइस। और जैसे ही मैं सिर्फ उंगली रखता हूँ ना बैटल कॉप्टर के ऊपर, वो पता नहीं रेज सा हो जाता है, पर वो कुछ लगता नहीं है कि रेज हुआ है करके, वो रेज वाला इफेक्ट उसके ऊपर दिखता है, आप लोगों ने नोटिस किया क्या। ओके बैटल कॉप्टर को मारने वाला अभी कोई है ही नहीं गाइस, यहाँ पे 2 फायर क्रैकर है, हम लोग तुरंत वहां पे डाल देंगे बेबी ड्रैगन जिससे कि वो मार ही ना पाए, है ना, वेरी नाइस। चलो भाई नंबर 1 की एबिलिटी में फायर क्रैकर की हेल्थ काफी कम हो चुकी है, वेरी नाइस। ओके चलो भाई साहब क्या बात है बेबी ड्रैगन की ये एबिलिटी, मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार ये क्या एबिलिटी है, लेकिन भाई जैसे जैसे इसको यूज करने लग गया भाई इससे खतरनाक तो कुछ है ही नहीं, ऐसा ही लग रहा है अभी मेरे को, और एक्चुअल में इससे खतरनाक कुछ है ही नहीं गेम के अंदर, बहुत खतरनाक एबिलिटी है भाई कॉम्पैक्ट बेसिस के लिए बेबी ड्रैगन्स की। ले भाई नंबर 6 की एबिलिटी बच चुकी है, बैटल कॉप्टर भी जिंदा बच चुका है, पहला बेस खत्म। अभी चलते हैं दूसरे बेस के ऊपर, दूसरा बेस भी कैसा भी हो निपट ही जाता है। ओके चलो भाई ठीक है, बेस लेआउट काफी अच्छा है, सारे के सारे बेबी ड्रैगन यूज करेंगे। टोटल अभी हमारे पास यूज करने के लिए 6 बेबी ड्रैगन है जिसमें से 3 की एबिलिटी बच चुकी है, तो हम लोग बैटल कॉप्टर को ऊपर डाल देंगे। अरे बाप रे टेस्ला निकल गया गाइस वहां से, बताओ, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने एबिलिटी वाला बेबी ड्रैगन नहीं डाला क्योंकि जरूरत नहीं थी यहाँ पे एबिलिटी वाले बेबी ड्रैगन को डालने की, जिनके पास एबिलिटी नहीं है उनको क्लीन अप के लिए फनल के लिए यूज कर डालो, जिनके पास एबिलिटी है उनको मेन डिफेंसेस फोड़ने के लिए यूज करो, है ना। चलो भाई बहुत सही, काफी अच्छी वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। ये देखो फनलिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये नंबर 4 वाला बेबी ड्रैगन क्योंकि इसके पास एबिलिटी नहीं है, नाइस। अभी नंबर 6 वाला जाएगा कोर में जिसके पास एबिलिटी है। ओके चलो बैटल कॉप्टर की एबिलिटी लेट कर दी हम लोगों ने थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भाई साहब काफी सही वैल्यू। ओके नंबर 7 और 8 दोनों के पास एबिलिटी बच चुकी है, नंबर 7 की कम ऑन। ले भाई यूज कर लिया एबिलिटी पर उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाई, नंबर 8 की एबिलिटी अभी बच चुकी है और एबिलिटी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हो गया ये वाला अटैक 3-स्टार। सी ये वाला बेस भी हो चुका है हमारा 3-स्टार, बहुत पावरफुल है भाई। चलो अभी चलते हैं गाइस वापस अटैक के लिए, ठीक है। ये लो भाई साहब वापिस कॉम्पैक्ट बेस हम लोगों को मिल चुका है, सही है भाई। इसके पास देखो मैक्स लेवल का टेस्ला है, एक्सबो इसका ग्राउंड है तो अच्छी बात है, ग्राउंड एक्सबो है, एयर नहीं है भाई साहब, तो हमारी बेबी ड्रैगन्स को दिक्कत नहीं देगा। तो स्टार्टिंग में अपना बैटल कॉप्टर जाएगा, ठीक है भाई। बैटल कॉप्टर काफी स्लो है लेकिन टैंक वैंक का काम करता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। 6 बेबी ड्रैगन्स है सबके पास एबिलिटी है, कम ऑन बैटल कॉप्टर, आर्चर टावर को डिस्ट्रैक्ट कर दे तो मैं बेबी ड्रैगन डालना चालू भी कर सकूं।
चलो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है आर्चर टावर, बेबी ड्रैगन आएगा यहाँ पे। ओके एबिलिटी, अबे यार एबिलिटी में ढंग की वैल्यू ही नहीं मिल पाई भाई, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। कम ऑन नंबर टू बेबी ड्रैगन, नाइस इसकी एबिलिटी में मिल गई देखो अच्छी वैल्यू, वेरी नाइस। चलो भाई अभी तीन चार और पांच वाले बेबी ड्रैगन्स करेंगे एकदम मस्त काम। बेलकॉप्टर की हेल्थ हो रही है धीरे धीरे कम, नंबर तीन की एबिलिटी यूज करनी पड़ी भाई साहब, मर गया कोई दिक्कत नहीं है। नंबर पांच की भी एबिलिटी यूज कर ली, अच्छी वैल्यू मिल गई। ओके ये लो गाइस बेस खत्म, नंबर चार की एबिलिटी बच चुकी है, बैटलकॉप्टर भी बच चुका है, काफी जल्दी जल्दी ट्रिपल हो गया, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट है भाई ये बेबी ड्रैगन्स, वेरी नाइस। अभी देखते भाई दूसरा बेस कैसा है। ओ दूसरा बेस थोड़ा तगड़ा है भाई इसका, क्या बात है। यहाँ पे देखो एयर टारगेटिंग डिफेंसेस ये अपना रोस्टर है, आर्चर टावर, और सिर्फ एक ही यहाँ पे मेरे को दिख रहा है फायर क्रैकर, तो ये मेरे हिसाब से इजीली निपट जाना चाहिए चार बेबी ड्रैगन्स में। ठीक है ये जो नंबर छः वाला बेबी ड्रैगन है इसको फनल के लिए यूज़ कर डालेंगे हम लोग, क्योंकि एबिलिटी नहीं है इसके पास। एबिलिटी वाले जो बेबी ड्रैगन है उनको अच्छी जगह पर यूज़ करो जहाँ पर एबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, नाइस। चलो 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 ये बिना एबिलिटी वाला बेबी ड्रैगन भी अच्छा काम कर रहा है, क्या बात है भाई, इसको तो मारने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, काफी अच्छी बात है भाई। ये तो ओटा आउटपोस्ट को भी फोड़ डालेगा और शायद जो जैपीज निकलेंगे उनको भी फोड़ डालेगा मेरे हिसाब से। ले भाई दो जैपीज निकल गए, अरे भाई जैपीज को भी मार रहा है ये तो, बहुत ओपी भाई, क्या बात है। ओके ये रोस्टर अभी मार रहा है नंबर छह वाले बेबी ड्रैगन को। ओके चलो यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन आएगा, नाइस बेबी ड्रैगन की एबिलिटी में मिल गया भाई फायर क्रैकर। ओके यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन आएगा, नंबर आठ वाला बेबी ड्रैगन ऊपर आएगा। ओके दोनों की एबिलिटी बच चुकी है, नंबर आठ की एबिलिटी, नंबर सात की एबिलिटी यूज करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया गाइस ये वाला बेस, दिस इज अ खत्म बेस। देख रहे हो गाइस कितने सारे बेबी ड्रैगन बच रहे एंड में। यार इस वाले बेस के ऊपर ना हम लोग बेबी ड्रैगन के साथ नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे मैस पेक्का के साथ अटैक, ठीक है, क्योंकि यार ये कॉम्पैक्ट बेस तो है पर मैस पेक्का के साथ इजीली उड़ सकता है ये बेस, क्योंकि यार मैं बहुत बार उड़ा चुका हूँ इसको मैस पेक्का के साथ, तो बेबी ड्रैगन के साथ इसको एक बार भी नहीं उड़ाया, मतलब बेबी ड्रैगन के साथ ट्राई नहीं करा मैंने एक बार भी इस बेस के ऊपर, क्योंकि मैस पेक्का के साथ ये उड़ सकता है तो बेबी ड्रैगन के साथ काहे ट्राई करे भाई साहब। चलो सुपर वॉल ब्रेकर की एबिलिटी, अरे गलत यूज हो गई, गलत वॉल फोड़ दी सुपर वॉल ब्रेकर ने, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। चलो भाई मास पेक्का के साथ मैं उड़ा चुका हूँ इस बेस को काफी बार, वेरी नाइस। चलो भाई नंबर तीन पेक्का की एबिलिटी, चलो ठीक है अच्छी यूज हो गई एबिलिटी। नंबर दो पेक्का की हेल्थ काफी कम है, एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन आर्चर मर ही नहीं पाया भाई आउटपोस्ट का, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दो पेक्का की एबिलिटी बच चुकी है, और ये जो अपना बैटल मशीन है इसकी भी एबिलिटी बच चुकी है, वो भी लेवल तीन की एबिलिटी चल रही है भाई साहब की, तो इसकी एबिलिटी हम लोग अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे कि नहीं देखना पड़ेगा। हेल्थ कम अगर होएगी बहुत ज़्यादा तो यूज़ करनी पड़ेगी, अगर नहीं होएगी तो नहीं करेंगे। ले भाई बहुत ज़्यादा ही कम हो गई थी हेल्थ, तो हेल्थ बढ़ाने के लिए हम लोगों को एबिलिटी यूज़ करनी पड़ी। कम ऑन एक हिट में मिल गया, ये हो गया गाइस थ्री स्टार, बैटल मशीन बच चुका है और दो पेकास की एबिलिटी बच चुकी है, अच्छी बात है। लेकिन यार यहाँ पे हम लोग सुपर वॉल ब्रेकर नहीं बचा पाए, आई मीन बॉम्बर, बॉम्बर को नहीं बचा पाए, तो अगले बेस के ऊपर थोड़ी दिक्कत हो सकती है शायद, पर ठीक है देखते भाई क्या कर सकते हैं हम लोग अगले बेस के ऊपर। ओके और बैटल मशीन की हेल्थ भी बहुत ही कम बच चुकी है, और बहुत थोड़ी सी स्लो आर्मी, बेबी ड्रैगन की आर्मी कैसी थोड़ी फास्ट है, ये वाली आर्मी थोड़ी सी स्लो है। ठीक है भाई ये सेकंड बेस ना मुश्किल है, हार्ड बेस है भाई ये वाला, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो जाएगा ये वाला अटैक भी। ठीक है भाई साहब और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे गाइस बैटल कॉप्टर को। अबे यार नेट को क्या हो गया, अब हद ही हो गई भाई यार। और ये एक चीज है भाई, बार बार नेट भग जाता है जबकि मेरा इंटरनेट बिल्कुल सही है, ये बिल्डर बेस की दिक्कत है, क्लैश ऑफ क्लैंस की दिक्कत है, मेरे इंटरनेट की नहीं है ये दिक्कत, पता है मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था मेरे इंटरनेट में दिक्कत है, पर बाद में जब मेरे को पता चला चार पांच इंटरनेट कनेक्शन देखा, इस मोबाइल से हॉटस्पॉट उस मोबाइल से हॉटस्पॉट सब में ऐसा दिक्कत देता है दो तीन अटैक के बाद, तो ये गेम का दिक्कत है, शायद बग फिक्स करना पड़ेगा जो भी ग्लिचेस ये हो रहे हैं, है ना। तो भाई साहब हमारे तीन पैकास तो जाएंगे कोर में, बैटल कॉप्टर तो बाहर से काम करेगा,
और ये एक और जो पेक्का है इसको हम लोगों को बाहर डालना है, ये बाहर से साफ करते रहेगा। वेरी नाइस, ओके। नंबर 6 पेक्का की एबिलिटी यूज कर डाली हम लोगों ने यहाँ पे, वेरी नाइस। चलो चलो बहुत सही। नंबर 5 और 7 की एबिलिटी बच चुकी है, कम ऑन नंबर 5 और 7 दिखा दो भाई जलवा, क्या बात है भाई। चल भाई नंबर 5, ओके नंबर 5 की एबिलिटी यूज करेंगे यहाँ पे, नाइस। फूट जा फूट जा, अरे फूट नहीं पाया। ये लो गाइस हमारे पास यार वो सुपर वॉल ब्रेकर आई मीन बॉम्बर नहीं बचा था, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो गई वॉल वॉल फोड़ने में। अगर बॉम्बर होता ना तो ये 3 लेयर की वॉल दिख रही है यहाँ पे, ये क्रशर के पास, तो ये 3 लेयर की वॉल फोड़ देता मैं एबिलिटी में। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारा 3 स्टार तो हो चुका है, बैटल कॉप्टर ने बचा लिया हम लोगों को। ये हो गया हमारा पेक्का वाली आर्मी के साथ 3 स्टार, काफी पावरफुल आर्मी है। तो ये थी भाई साहब आज की हमारी बेबी ड्रैगन की आर्मी, जिसके साथ हम लोगों ने कर लिए हैं 6,200+ ट्रॉफीज। तो आप लोग कब आ रहे हो डायमंड लीग के अंदर? बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ठोको भाई साहब, बेल आइकन ठोको। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।